इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का 2011 सिल्वर जुबली के रूप में हम आज भारत के तमाम हिस्सों में बड़े उल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ मना रहे हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो अपना जीवन निर्वाह एक सामाजिक ढांचे में रहकर करता है। यह समाज धर्म, संस्कृति, खानपान, विचारों इत्यादि की विभिन्नता होने के बावजूद एकजुट हो रहे सामान्य लोगों से बनता है। बचपन से ही हमें अपने सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों के बारे में सिखाया जाता है, ताकि आगे चलकर हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को सफलता से निभा सकें। परंतु मनुष्य योनि में होने के बावजूद हमें मानव अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं किया जाता है। आज भी समाज और मानव विशेष के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर मानव अधिकार हैं क्या? ये ह्यूमन राइट्स होता क्या है? मानव के समाज ह्यूमन राइट्स आर फॉर मानव अधिकार। आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर व्हाट ह्यूमन राइट्स आर। आई थिंक It depends on the context of the country. मानव अधिकार के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। आपने जो भी सोचा है इसके बारे में? It's something related to humans. It's something related to humans and मैं बोलने को ना मैं अनपढ़ हूँ, हमें इतना पता नहीं है। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो साधारणतया इसीलिए मिलते हैं क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। हमारे भारत के नागरिक कहते हैं कि मुझे मानवाधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूं कि उन सभी नागरिकों को मानवाधिकार की नॉलेज है, क्योंकि उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान से रोज का वास्ता पड़ता है, अपने दिनचर्या का वास्ता पड़ता है, अपने बच्चों के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए उन्हें रोजगार की आवश्यकता पड़ता है। यही है मानवाधिकार। मानव अधिकार एकमात्र ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति पर समान रूप से प्रभावी होते हैं और ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा, धर्म, जाति, देश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि हमें इन अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी और इनका एक मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। साधारण शब्दों में कहें तो लिंग भेदभाव, असमानता, गुलामी, भुखमरी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए हमें मानव अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। इन अधिकारों को पाने के लिए पूरे विश्व को दो बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें मानव संपत्ति के साथ साथ मानवता को भी एक भारी नुकसान हुआ। लाखों लोग मौत की नींद सो गए, शहर के शहर राख के ढेर में तब्दील हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने मिलकर सन 1945 में एक संगठन की स्थापना की, जिसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है और जिसका प्राथमिक उद्देश्य मानव, मानवता और उसके अधिकारों की रक्षा करना है। परंतु उस समय एक विवाद का विषय यह था कि किन अधिकारों को मानव अधिकारों की सूची में शामिल किया जाए। तब
फ्रांस के नेचुरल राइट्स कॉन्सेप्ट को ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों का नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दस्तावेज को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा गया। इतने सब के बाद भी ज्वलंत सवाल यह है कि क्यों आज भी लाखों लोग भूख, ठंड और गरीबी से मर रहे हैं और अपने स्वच्छ खाने, पहनने और रहने के मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के बावजूद हम मौन क्यों रह जाते हैं? क्या हम अपनी बारी के आने का इंतजार करते हैं? आज तक ना यहाँ थपाई हो पाई, ना यहाँ कुछ हो पाया, ना यहाँ राशन कार्ड, जिस किसी का राशन कार्ड रह गया वो राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, जिसका पहचान पत्र रह गया वो पहचान पत्र नहीं बन पा रहा, वो भी यहाँ पे किसी तरह की वो नहीं है। हर तरह की यहाँ पे गंदगी है, कोई परेशानी, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कर्मचारी आने के लिए तैयार नहीं यहाँ पे। अथक प्रयासों के बावजूद भी आज लाखों लोग शिक्षा से वंचित क्यों हैं? जहां दुनिया में एक ओर प्रगति के नए आयाम देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम में से कुछ अपनी आजादी के लिए आज भी संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हर बच्चे को एक स्वस्थ बचपन व सुनहरा भविष्य जीने का अधिकार है, फिर न जाने क्यों आज भी कुछ बाल मजदूरी करते व अन्य कुछ भीख मांगते हैं। हालांकि महिलाओं ने अपने को सभी क्षेत्रों में साबित कर दिखाया है, फिर भी उन्हें समाज में अपनी भागीदारी निभाने व इस दुनिया में आने तक से रोका क्यों जाता है? क्या वास्तव में हम समान रूप से मानव अधिकार दिला पा रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर ये अत्याचार क्यों? यह सच है कि जब तक आम लोग इन अधिकारों को नहीं समझेंगे और अपने खिलाफ होते अत्याचारों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, तो मानवता पर अत्याचारों की यह प्रथा, जो कि इतिहास से चली आ रही है, ऐसे ही चलती रहेगी।